हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट लाइंस टीजी वंस अगेन। आई एम डॉक्टर तसल्ली गौशा। आज हम एक फैक्ट के बारे में जानेंगे एंड डिस्कस करेंगे एज यूजुअल। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें आपने किसी अपने बड़े से सुना होगा कि भाई तुम नाक से सांस लिया करो बजाय मुंह के। और ये चीज आप देखते होंगे कि जो योगा करते हैं जनरली लोग, वो अपनी मेडिटेशन के दौरान कोशिश करते हैं कि अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस को ठीक करें और नाक से सांस लें बजाय मुंह के। ऐसा क्यों करते हैं लोग? वेल, देखिए, हमारे नोज का दो प्रोसेस होता है, दो काम होता है। सबसे पहले वो रेस्पिरेशन का रास्ता बनता है, यानी सांस जाने का एक रास्ता होता है। दूसरा, ये ऑर्गन ऑफ स्मेल होता है, यानी हर तरह की खुशबू बदबू हम अपने इस नाक से सूंघ सकते हैं। नाक के जो साइड वाले हिस्से को हम नॉस्ट्रल कहते हैं, नथुने कहते हैं, और नोज के अंदर नोज हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं। वेल, आप सोचते होंगे कि इन हेयर्स का क्या काम होता है। देखिए, इन हेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब हम सांस लेते हैं तो सांस तो एयर के अंदर बहुत तरह के फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होते हैं। अगर वो डायरेक्टली हमारे लंग्स में चले जाएंगे तो हमारा लंग्स बहुत तेजी से खराब हो सकता है, पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है। लेकिन ये हेयर्स जो होते हैं नोज के अंदर, उस पार्टिकल्स को, उन डस्ट पार्टिकल्स को जो 100 माइक्रोमीटर से बड़े होते हैं, उनको ट्रैप कर लेता है, उनको रोक लेता है, और जो बाकी एयर होती है वो चली जाती है लंग्स के अंदर। अब आप पूछेंगे, जो बाकी एयर है उसमें भी तो डस्ट हो सकते हैं, छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हो सकते हैं। तो उन बाकी डस्ट को क्लीन करता है हमारा ब्लड। तो जो अब डस्ट पार्टिकल 100 माइक्रोमीटर से बड़े हैं, वो नोज के अंदर जो ट्रैप हो गए हैं, वो क्लीन हो सकते हैं, क्योंकि हमारी नोज और थ्रॉट में, गले में एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ये एक तरह की स्किन कवरिंग होती है जो हमें किसी भी तरह के वूंड चोट से बचाती है। तो हम अगर उसको क्लीन कर लेते हैं तो हमारी नोज क्लीन हो सकती है और हमें एक फ्रेश एयर अंदर लेने के लिए मिल सकती है, हमारे लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी की जगह अगर हम माउथ से सांस लेते हैं तो आप सब जानते हैं हमारे माउथ के अंदर सलाइवा होता है, थूक होता है। आपने इवेपोरेशन प्रोसेस पढ़ा होगा, जिसमें पानी के ऊपर अगर सनलाइट पड़ती है तो वो भाप बन के उड़ता है। ठीक उसी तरीके से सलाइवा मुंह के अंदर रहता है और हवा जब अंदर मुंह के जाती है, अगर हम सांस ले रहे होते हैं मुंह से, तो वो सलाइवा भाप बन के उड़ता है, जिसकी वजह से कई तरह की डिके हो सकती है ओरल कैविटी में, सड़न हो सकती है, हमारा मुंह ड्राई हो सकता है, सूख सकता है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि आप नोज से सांस ले बजाय माउथ के। और ये चीज आप क्रिएट कर सकते हैं, अपने अंदर ढाल सकते हैं बाय योगा। वेल, ये फैक्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं एक न्यू फैक्ट के साथ। बने रहिए फैक्ट लाइंस टीजी पर। टिल देन, गुड लक, थैंक यू एंड सी यू अगेन।